ओम शांति। 2 फरवरी 1972। आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि, पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हो। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो, प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी? तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि है व विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। ऐसे विनाशकारी प्रीत बुद्धि बने हो अर्थात एक ही लगन में एक स्थिति वाले बने हो। 2 फरवरी 1972। बाबा पूछ रहे हैं, आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, कौन सा स्लोगन? विनाश काले प्रीत बुद्धि, पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो, प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी? तो जब दूसरे को सुनाते हो कि विनाश करे विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि है व विपरीत बुद्धि है। आज बोला है बाबा ने, अपने दिल दर्पण में देखो मेरी चाल कैसी है। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। ऐसे विनाशकारी प्रीत बुद्धि बने हो अर्थात एक ही लगन में एक स्थिति वाले बने हो। तो बाबा दो प्रकार की बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, एक है प्रीत, दूसरी है विपरीत। एक है विजयंती, दूसरी है विनश्यंती। जो हम दूसरों को स्लोगन सुनाते हैं, बाबा कह रहे हैं वो अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते। तो विजयी कितना समय है और हार कितना समय खाते हैं, कब? सारी दिनचर्या में, सारे दिन में। तो एक है प्रीत बुद्धि, दूसरी है विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि अर्थात, प्रीत बुद्धि अर्थात श्रीमत पर चलने वाले, प्रीत बुद्धि अर्थात बाप से प्रेम करने वाले। एकदम नया प्रश्न आज सुबह की साकार मूल्य में बाबा ने पूछा है, जो शायद आज तक कभी नहीं पूछा। ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्रधारी बच्चों से बाप दादा पूछ रहे हैं, बाप से कितना प्यार करते हो, आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ। दो बार पूछा, अच्छा से पहले याद प्यार में, बाप से कितना प्यार करते हो, आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना, कौन सा बड़ा है? आसमान जितना प्यार करना और ब्रह्म तत्व जितना प्यार करना, अर्थात प्रभाकर भाई क्या अर्थ है इसका? लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो आसमान अनलिमिटेड है या ब्रह्म तत्व अनलिमिटेड है?
तो बाबा पूछते हैं, बाप से कितना प्यार करते हो? आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ। दोनों को मिला के तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दो बताए हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि प्रीत बुद्धि क्या है और विपरीत बुद्धि क्या है, पहले ये जानना है बुद्धि के बुद्धि करती क्या है, बुद्धि के फंक्शंस क्या क्या है। बुद्धि सात काम करती है। बुद्धि के सेवन फंक्शंस ऑफ इंटेलेक्ट। सबसे पहला है जज करना। जज करना अर्थात जैसे जज करता है फैसला, दो पार्टियां है और वो बैठकर जज करता है कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कौन सत्य है कौन असत्य है, किसने अपराध किया है किसने अपराध नहीं किया है। इसको कहा जाता है जज करना, जजमेंट देना अर्थात फैसला सुनाना, फैसला करना फैसला सुनाना। और जज जो होता है इम्पार्शियल होता है। जज जो होता है ना इसके तरफ है ना उसके तरफ है, उसकी आंखों में क्या दिखाया है, कानून तराजू है और पट्टी है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, फैसला सुनाता है। कैसे फैसला सुनाता है? संपूर्ण अनबायस्ड, उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई प्रुजुडिस कोई बायस नहीं, किसी की तरफ से नहीं है वो अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्ट। अंग्रेजी में दो शब्द है, एक है अनइंटरेस्ट एक है डिसइंटरेस्ट। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कोई व्यक्ति कहता है मुझे आई एम अनइंटरेस्टेड इन स्टडीज, एक है अनइंटरेस्ट एक है डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट का अर्थ होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल अर्थात कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई पक्षपात नहीं, निरपेक्ष, डिटैच कहो या उसके मन में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, भाई भतीजावाद कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, उसको कहा जाता है डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट न होना। आई एम अनइंटरेस्टेड इन स्टडीज मतलब मुझे कोई रुचि नहीं है, कोई उसके उससे कोई मजा नहीं आता है, बेमजा है, इसको कहते हैं अनइंटरेस्ट। और डिसइंटरेस्ट अर्थात इम्पार्शियल। तो जज जो होता है वो डिसइंटरेस्टेड होता है केस में। उसी तरह बुद्धि का पहला फंक्शन है जज करना, दूसरा फंक्शन है आई इम्बाइब अर्थात धारण करना। बुद्धि क्या करती है? इम्बाइब करती है, धारण करती है। किसको धारण करती है? ज्ञान को। जैसे कल की मुरली में परसों की मुरली में गरम तवे है, धारण नहीं करते। बिल्कुल कैसे कपड़े हैं? मैले कपड़े हैं। जैसे कल की मुरली में दो प्रकार के बच्चे सगे लगे, दो प्रकार के बच्चे मातेले सौतेले, दो प्रकार के बच्चे कच्चे पक्के, दो प्रकार के पुरुषार्थी सतो प्रधान और तमो प्रधान। सतो प्रधान पुरुषार्थी की क्या परिभाषा थी कल की मुरली में? बाप से प्रतिज्ञा करते हैं क्या? पूरा वर्षा लेंगे। कितना भारी वर्षा है। बाप वर्षा दिलाते हैं, माया वर्षा छीनती है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है और तुम कितने सौभाग्यशाली हो आज की मुरली।
माया दुर्भाग्यशाली बनाते। अभी अभी प्रतिज्ञा करते बाप से क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट के अंदर क्रोध करते हैं। दूसरा काम है बुद्धि का धारण करना। किसको धारण करेंगे? किसको भी धारण कर सकती है, अवगुणों को भी बुद्धि ही धारण करती है। बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि का काम है धारण करना, और वो जितनी स्वच्छ होगी तो स्वच्छ बातें धारण करेगी, जितनी अस्वच्छ होगी अस्वच्छता को धारण करेगी। आज सुबह की साकार मुरली, आदतें तुम्हारी जन्म जन्मांतर की है, मिटने में टाइम लगेगा, ऐसे ही नहीं मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की आदतें हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि बुद्धि ने धारण कर रखा है। तो बुद्धि का दूसरा काम है धारण करना। तीसरा काम है डिस्क्रिमिनेट करना, अर्थात परखना। पहला है फैसला करना, दूसरा है धारण करना, तीसरा है परखना, डिसर्न करना, डिस्क्रिमिनेट करना, परखना, ये या ये, ये श्रीमत, ये मनमत, ये परमत। इस ब्राह्मण जीवन में ये एक चीज जिसने परख ली उसका काम पूरा हुआ, बस यही एक चीज परखनी है, परमत अर्थात कल की मुरली, रावण की मत अर्थात परमत, ये परमत की परिभाषा थी कल। ये मनमत है, ये परमत है, ये श्रीमत है, इसको छांटना, तीनों को छांटना, मनमत, श्रीमत, परमत, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये जो हो रहा है ये श्रीमत नहीं, ये मनमत है, और ये जो संकल्प आ रहे हैं ये श्रीमत नहीं, ये परमत है। इन तीनों को छांटना सीख लेना अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थी। और कितनी गहराई से पता चल रहा है, कितनी गहराई से पता चल रहा है, कितना गहराई से हमें लग रहा है यही श्रीमत है, श्योर है, सर्टन है कि यही श्रीमत है। तो तीसरा काम है बुद्धि का परखना, डिसर्न करना, डिस्क्रिमिनेट करना। चौथा काम है डिसाइड करना, निर्णय करना। पहले और चौथे में क्या अंतर है? पहला बताया जज करना, चौथा है निर्णय करना। फैसला एक जज करता है, जज बैठकर। निर्णय करना, निर्णय करना एक दूसरी अवस्था है। निर्णय कब करना होता है? जीवन का निर्णय, जीवन का फैसला। फैसला थोड़ा ऊंचा शब्द है, निर्णय एक अलग चीज है। दोनों में क्या अंतर है? दो रास्ते हैं तो निर्णय करना है, इधर जाए या इधर जाए, यह है निर्णय, डिसीजन, डिसाइड करना। जीवन में करना क्या है? स्टूडेंट डिसाइड करते मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, जॉब करे, बिजनेस करे, मधुबन में जाए या सेंटर में रहे या घर में, बाप का बनकर रहे या ट्रेटर बने। आज कहा है मैं साजन तुम सजनियों को, अशोक इस रावण की जंजीरों से छुड़ाए, अशोक वाटिका में ले जाने आए हैं, फिर भी सजनिया साजन को डिवोर्स देती है, तो बाप क्या करे? ट्रेटर बन पड़ते हैं। डिसीजन हर एक का अपना है, इधर जाऊं या, जब दो रास्ते हैं तो डिसीजन लेना। और फैसला अर्थात फैसला क्या, या जज करना, जज, जजमेंट देना। उसमें हम जज हैं और हमें जजमेंट देना है, दूसरे समस्या लेकर आए हैं
या फिर जो जज काम करता है उसको जजमेंट कहा जाता है। ये डिसाइड करना, ये क्या कहेंगे, फाइनल डिसीजन देना कि ये या वो, इसको कहा जाता है जजमेंट। इसके लिए दूसरों को जज नहीं करना है। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। बाइबल में जीसस कहता है दूसरों को जज नहीं करो तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। यदि दूसरों को जज करते बैठोगे तुम्हें भी जज किया जाएगा और वो दुर्दशा अपरंपार होगी। इसके लिए हम कौन है दूसरों को जज करने वाले? क्या हम दूसरों को जानते हैं? स्त्री और पुरुष साथ साथ रहते हैं जीवन भर, पति पत्नी, परंतु कितने दूर दूर है एक दूसरे से। दोनों के मन की गति, मन की दिशा कितनी अलग अलग है। साथ में रहने वाले लोग, जीवन भर साथ में रहने वाले भी एक दूसरे को नहीं जान पाते। तो हम किस आधार से कह सकते हैं कि हमने दूसरों को जाना? कितना मुश्किल है दूसरों को जान पाना और फिर उसके ऊपर उनको जज करना। हमें क्या पता है दूसरों के विषय में, उनके संघर्ष के विषय में, उनके पुरुषार्थ के विषय में? चलो इस जन्म का सब पता है, फिर भी क्या पूर्व जन्म का पता है? किसका भाग्य कब खुलेगा और किसका पाठ कब खुलेगा हम नहीं बता सकते। और हम किस संकुचित मानसिकता से उनको जज कर रहे हैं? हम जो भी जज करेंगे हमारा जजमेंट रॉन्ग ही होगा दूसरों के विषय में, क्योंकि व्यक्ति जो दिखा रहा है वैसा है नहीं, अंदर में कुछ और है। हरेक का अपना आंतरिक संघर्ष है। किस आधार से उसको जज करेंगे? इसके लिए दूसरों को जज नहीं करना है। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। जज नहीं करो तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। तो जजमेंट दूसरों के विषय में ज्यादा होता है। डिसीजन, मुझे डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है किस तरह का जीवन जिए, तीव्र पुरुषार्थी का या ठंडे पुरुषार्थी का, श्रेष्ठ संकल्पों वाला, शुद्ध संकल्पों वाला या फिर निचला। तो चौथा निर्णय करना। पांचवा समझना, अंडरस्टैंड करना। बुद्धि का काम क्या है? समझना। समझने का काम कौन करता है? बुद्धि। कितना गहराई से हमने समझा है, उसके लिए बुद्धि शार्प चाहिए। अंग्रेजी में एक किताब है, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कावी, सात आदतों की चर्चा है। उसमें एक आदत बोला है शार्पन द सॉ, जो कुल्हाड़ी है उसको धार को तेज करो। एक उदाहरण दिया है, एक लकड़हारा है बहुत उमंग उत्साह से एक जगह व्यवसाय करता है, ज्वाइन करता है जॉब। मैनेजर उससे बहुत खुश है। पहले ही दिन उसने 18 झाड़ काट डाले, क्योंकि उसके पास जो आरी है वो बहुत तेज है और उसमें बहुत उमंग उत्साह है कि इतना काम करूं, बहुत काम करूं और बहुत पैसे कमाऊं। पहले ही दिन उसने 18 काटे। अब सोचा दूसरे दिन और ज्यादा काटूंगा, तो दूसरे दिन उसने खाली 14 काटे। तीसरे दिन सोचा पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, और ज्यादा करूंगा आज, पर तीसरे दिन 10। एक हफ्ता होते होते 3 या 4 झाड़ वो काट ही नहीं पाता। तो अपने मालिक के पास जाता है और मालिक से कहता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरा, तो क्या ऐसा भी नहीं कि मेरा उमंग उत्साह कम हुआ है, ऐसा भी नहीं कि मैं थक रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं आलसी हूं, ऐसा भी नहीं कि मुझे कम काम करना है। मैं तो उसी उत्साह से, उसी अथक रूप से, उसी शक्ति से कार्य कर रहा हूं, उसके बाद भी झाड़ क्यों कम कट रहे हैं? तो मालिक पूछता है डिड यू शार्पन दिया यूएसओ,
क्या तुमने धार लगाई? वो कहता है धार लगाने को टाइम किसके पास है, मुझे तो झाड़ काटने हैं, धार को धार लगाते रहो तो झाड़ कब काटूंगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बुद्धि को धार लगाना है, कैसे लगाएंगे? विचार से। किसी भी चीज को वैसे ही मानना नहीं है, जो पॉइंट मुरली में आ गई है तर्क करो, स्वीकार करना ही नहीं किसी भी पॉइंट को। विचार, बाबा ने कहा यह अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, एक एक शब्द का विचार, मानना ही नहीं उसको। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां से चालू करना सम। हाँ फिर उसका कंक्लूजन आ जाए ए इक्वल टू बी, वो दूसरी बात है, परंतु शुरुआत हो ए इज नॉट इक्वल टू बी। सारे साइंस के सिद्धांत, भारत क्यों ज्यादा विकसित नहीं हो पाया जबकि इतिहास यहां, जन साइंस यहां आधार भूमि है, परंतु साइंस भारत में विकसित नहीं हो पाया, विदेश में विकसित हो पाया। आइंस्टाइन ने यहां जन्म नहीं लिया, वहां जन्म लिया। न्यूटन ने वहां जन्म लिया, यहां जन्म नहीं लिया। यहां जन्म लिया होता न्यूटन ने तो बैठा होता कहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ते हिमालय की चोटी पर। क्योंकि इस देश में मानना सिखाया है, मान लो यह है सत वचन महाराज, जस्ट एक्सेप्ट, बिलीव करो, बिलीव। किसी भी चीज को बिलीव नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट बिलीव समथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज सेड बाय सो एंड सो, और इट इज हेलोड बाय ट्रेडिशन, परंपरा जाति सभ्यताओं ने उसको बहुत पवित्र बनाया है। किसी को भी बिलीव नहीं करो, सत्य स्वयं ढूंढना है, विचार। एक इस एक्स, इस बुद्धि रूपी को शार्प करने के लिए चाहिए विचार, दूसरा चाहिए प्रकृति। एक अध्यापक बैठा है और अपने विद्यार्थियों से कहता है अरे मूर्खो कब तुम सीखोगे, वो देखो न्यूटन झाड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खोज ली, तुम में से आज तक किसी ने कुछ नहीं खोजा, कब सुधरोगे? एक बच्चा हाथ खड़ा करता है मास्टर जी कहां खोजा, बगीचे में। यहां ना बगीचा है ना झाड़ है ना आम, हम कैसे खोजेंगे, हमको बाहर ले जाओ। चार दीवारों में बंद चेतना विचार को खो देती है, चेतना मुक्त हो, प्रकृति के सानिध्य में जाए। आज का वरदान है प्रकृति जीत, जहां तुम पाव रखोगे वहां नुकसान नहीं होगा। तो अभी से पाव रखने की तो आदत चाहिए ना, कि कमरे में समझना। बुद्धि का काम क्या है? समझना। छठवा रीजन, तर्क करना, रैशनलाइज करना, किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना, तर्क करना। और जिसका जितना कुशाग्र तर्क होगा, हो सकता है वो निगेटिव है चलेगा, परंतु फिर भी तर्क करना, क्योंकि तार्किक बुद्धि शार्प बुद्धि है। हर चीज का तर्क करना, रीजन करना, लॉजिक लगाना, भावनात्मक हो जाना, भावुक होना अच्छी बात है, परंतु ये ज्ञान भावुकता का ज्ञान नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, जिसमें कनरस है, आह क्या मुरली है, वाह
बाबा आपने बहुत मुरली चलाई, बाबा आज आपने अच्छी मुरली चलाई, बाबा को सर्टिफिकेट, आपने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई, पिछली वाली इतनी अच्छी नहीं थी, आज की अच्छी चलाई आप, पिछली में थोड़ा सा गड़बड़ था, पिछली में बताना पड़ा था कि आज 18 जनवरी नहीं है, पर इस बार आपने एकदम परफेक्ट, तर्क तर्क खो गया है, लॉजिक रीजनिंग, हर चीज में तर्क करना, हर चीज में हमारा अपना एक उस प्रति विचार, क्या हो सकता है ये, हम ये नहीं कह रहे हैं संशय करो, संशय तो छूट गया है इसलिए तो यहां बैठे हैं। गाय कौन सी ज्यादा दूध देती है, जो जुगाली ज्यादा करती है, जो उगारती ज्यादा है, और जो उगारती नहीं वो महारोगी, केवल बीमार नहीं अविचार का महारोग, और विचार करना इस संसार की सबसे कष्टपूर्ण क्रिया है। टू थिंक इज द हार्डेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड, इतना आसान नहीं है विचार करना, बहुत इधर यातना देनी पड़ती है, और स्वीकार कर लेना, आहा सब कुछ स्वीकार कर लिया, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बाबा ने कहा है तो राइट ही होगा, सब स्वीकार कर लिया, सब स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लो और चलो आगे, और परिवर्तन जीरो, सत्य ही कहेगा, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, भगत बने बैठे हैं ज्ञान के शिविर में। छिपे हुए भगत, ज्ञान के शिविर में छुपे हुए भगत, भक्ति चालू है अंदर ही अंदर, आहा कंदस, जो उधर करते थे भगवत भागवत कथा में बैठ के, अभी मुरली क्लास में बैठ के चालू है, वही करना, ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, उधर भी नोट्स लिखती है थी माता है, भागवत कथा में भी लिखते अच्छे अच्छे पॉइंट्स बैठकर, और कथा पूरी होती है तो कपड़े झाड़ते हैं, कथा अपनी जगह, घर अपनी जगह, अंतिम मेमोराइज, याद करना बुद्धि का काम है, याददाश्त बुद्धि का काम है, बुद्धि के ऐसे 7 फंक्शन है, पहला जे जज करना, दूसरा इम्बाइब अर्थात धारण करना, तीसरा डिस्क्रिमिनेट परखना, चौथा डिसाइड करना, पांचवा अंडरस्टैंड समझना, छठवा रीजन करना, तर्क करना, और हर चीज में तर्क करना चाहिए चाहे कितना भी नेगेटिव हो, परंतु तर्क से बुद्धि शार्प होगी, बुद्धि को शार्प करना है। जर्नलिस्ट जो होते हैं ना कितना तर्क करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कहीं विपरीत दिशा में जा रही है, परंतु तर्क एक आदत है, इस आदत को लाना है, तुरंत किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना, चाहे अव्यक्त तो महावाक्य हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि जज करो, मैं जो सुनाता हूं वो राइट है, कि संसार की आत्माएं सुनाती है वो राइट है, ये उसके महावाक्य, उसका आदेश है, वो कह रहा है ऐसा करो, अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी को बैसाखी नहीं बना देना है अपना, किसी को भी, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को, किसी समय को, किसी पदार्थ, किसी भाव को, किसी आदर संस्कार को, कोई भी हमारी बैसाखी ना हो।
तो जब प्रीत बुद्धि होगी अब एक एक करके सातों फंक्शंस को लाओ पहला जजमेंट एक्यूरेट होगा दूसरा परखना इम्बाइब धारण एक्यूरेट धारण करेगी तीसरा डिसाइड निर्णय एक्यूरेट होगा डिस्क्रिमिनेट परखना एक्यूरेट होगा अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी उथली नहीं सुपरफिशियल नहीं ऊपर ऊपर से नहीं गहरी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही मुरली तो सभी के हाथ में जा रही है परंतु गहराई से नहीं समझ पा रही है आत्मा अंडरस्टैंड समझना तर्क करना मुरली सबके हाथ में है परंतु आधों ने उसे बस वैसे ही पढ़ लिया हाँ सब राइट है क्या है जब राइट है कह दिया तो अब तर्क करने का तो सवाल ही नहीं उठता है काम खत्म किताब बंद भगवान पढ़ा रहा है का काम खत्म हुआ करने का हमको कुछ काम ही नहीं ये समर्पित बुद्धि नहीं है ये पलायनवाद है सूक्ष्म पलायनवाद एस्केपिस्ट एस्केप कर रहे पलायन कर रहे कि मुरली तो हो गई सुना दी क्लास में या सुन ली दोनों चीजें काम हमारा पूरा हुआ आधे घंटे में मुरली सुनाना पूरी कर दी मंजुबेन काम पूरा हुआ अब उनका काम है स्टूडेंट्स का हमने तो सुना दी ये भी पलायनवाद है और हमने तो सुन ली ये भी पलायनवाद है तर्क कहां किया रीजन कहां किया विचार कहां किया कॉन्ट्रास्ट कहां किया एग्जाम्पल कहां निकाले वो सारे जो मेथड से क्या है विचार की विधिया है वो विचार चाहिए विचार संदेह करना हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखना वो एयरपोर्ट में ऐसी चेकिंग करते जैसे टेररिस्ट है जैसे कोई गन या कुछ छिपा गया थोड़ा सा भी डाउट आया पूरा बैग खोलो सारी चीजें निकालो किसी पर भी विश्वास नहीं करते किसी पर भी नहीं इसके लिए तुरंत कुछ भी स्वीकार नहीं करो एक मुरली का वाक्य स्वीकार करना ही नहीं तब तक जब तक बुद्धि कहे हाँ ये राइट लग रहा है A इक्वल टू B अब तुरंत A इक्वल टू B नहीं पहले A इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B से चालू करो फिर तर्क करते जाओ बहुत भावना में बह गए भक्ति बहुत की ज्ञान में आने के बाद अभी ज्ञानी बनो कब तक भक्ति चालू रहेगी ज्ञान में पहले है भक्ति फिर है वैराग फिर है ज्ञान फिर भक्ति अब भक्ति से फिर वैराग और फिर ज्ञान पहले वो यात्रा पूरी की अब ये यात्रा बाप तुम्हें रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं आज का है अब ये भी एक रूहानी यात्रा है तो प्रीत बुद्धि में अब आ जाओ विपरीत बुद्धि के ये सातों चीज है जे जजमेंट जो भी करेंगे रॉन्ग करेंगे आए इम्बाइब जो भी धारण करेंगे उल्टा ही धारण करेंगे कहा कुछ और धारण कुछ और किया तीसरा डी डिस्क्रिमिनेट परख नहीं पाएंगे मनमत है श्रीमत है क्या है डिसाइड नहीं कर पाएंगे जीवन का फैसला जीवन का निर्णय किस ओर जाए इधर या उधर इस मार्ग में भीड़ कम है तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत है तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत ही कम है एक हाथ दिख रहा है चलता हुआ और जहां भीड़ कम है वहां जाने की वहां थोड़ा खतरा है और जहां भीड़ साथ में है चलो साथ में कोई खतरा नहीं अंधेरा हो गया तो लोग आसपास है यहां अंधेरा हो गया तो क्या करेंगे कोई भी साथ नहीं है हाँ आगे पीछे कोई नहीं जंगली जानवर भालू कोई भी आ सकता है और इधर इधर तो इतने सारे लोग साथ है मस्ती से चल रहे कोई तो बैठे ही हुई है आज का है कोई तो ठहर जाते हैं शक पड़ता है ठहर जाते हैं
हाँ, परंतु तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स, माउंट आबू, वो जो चौक है पोस्ट ऑफिस के सामने, मंदिर के आगे जहाँ बस रुकती है, वहां पे पुतला है, पुतले के पास ये वाक्य लिखे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम, टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. एक दूसरा भी लिखा है वो, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. दो मार्ग थे जंगल में, एक में से बहुत लोग जाने वाले थे, दूसरे में से बहुत कम, और मैंने वो लिया जिसमें बहुत कम लोग जा रहे थे, और बस वही अंतर है मुझ में और उनमें. तो विपरीत बुद्धि जो होगी वो क्या करेगी, गलत निर्णय, गलत परखना, गलत धारण करना, गलत फैसला करना, गलत समझना, गलत, और याददाश्त बिल्कुल कम. आज की मुरली में क्या था, बहुत ही अच्छा, और जो था वो डायरी में लिखा है, पर हमको मत पूछना. वही तो था सारा, वही कहा था, छांटो उसको, अलग अलग कर दो, ये इधर अलग, ये इधर अलग, ये इधर अलग, कितना अलग अलग था. एक एक पॉइंट चिंतन का पॉइंट है, एक एक पॉइंट टॉपिक है, अपने बुद्धि को देना है. गोल्डन बुलबुल क्या बनना है, गोल्डन बुलबुल. बुलबुल क्या करती है देवेंद्र भाई, बुलबुल संसार में बुलबुल क्या करती है, गाती है, नाइटिंगल मधुर गान करती है. तो ऐसा यहां पर भी, तो गोल्डन बुलबुल भव आज बोला है. तो विपरीत बुद्धि जब होगी तब याददाश्त काम नहीं करेगी. याद कौन रख सकता है, मेमोराइज, एकाग्रता जहां है, स्वच्छ बुद्धि जहां है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल. जितना मन पवित्र होगा उतना ही उन्हें उसे वश में कर सकोगे. आज कहा है सारे विकारों को पूरा वश में कर दो. कैसे वश में कर दो, पूरा विकारों को पूरा के पूरा वश में कर दो. कब होंगे, माइंड प्योर होगा. द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट, द प्योरर द माइंड इजियर इट इज टू मेमोराइज. तो बुद्धि का सातवां फंक्शन है मेमोराइज करना, और जब प्रीत बुद्धि होगी तो सहज होगा. विपरीत है, पहले तो ये मानना है, हाँ विपरीत है. क्या है, विपरीत है, आघात है हृदय पर. कौन मानेगा मेरी बुद्धि विपरीत है, हम तो विपरीत तो दुर्योधन को समझते हैं. उस तरह का जब होगा तब, अब थोड़ी ना है. दिल दर्पण में अपने हाल को देखो, अपनी चाल को देखो. तो विनाश काले आपदा, आपदाएं आई की आई, आज बोला है ना, आपदाएं आई की आई, विनाश संसार का होगा तब होगा, मेरा आज हो गया तो मौत का क्या भरोसा. आपदा आई की आई, कभी भी आ सकती है, एक्सीडेंट, खलास. पुरुषार्थ क्या करेंगे, फिर क्या पद पाएंगे. तो विनाश काले ये समझना है, बस आपका ही अंतिम दिन है जीवन का, जो करना है आज ही कर लो. प्रीत बुद्धि में ये सातों चीजों पे वाला चिंतन करना है, ठीक है, याद करना है. इंग्लिश का शब्द है जिड्डू, RM, जिड्डू कृष्णमूर्ति है ना, जय कृष्णमूर्ति. जिड्डू, जे फॉर जज, आई फॉर इम्बाइब, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, डी फॉर डिसाइड, यू फॉर अंडरस्टैंड, आर फॉर रैशनलाइज या रीजन, एम फॉर मेमोराइज. जिड्डू RM, ये निमोनिक है बुद्धि के सात फंक्शंस याद रखने के, ठीक है, इस तरह से उसको याद रखना है. ओम शांति.